मुजफ्फरपुर में छात्रों से अवैध उगाही करने वाला गिरफ्तार, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए वसूलता था 1000 कैश, विश्वविद्यालय कर्मियों ने दबोचकर पुलिस के हवाले किया। मुजफ्फरपुर में ट्रेन से गिरकर युवा घायल, बोगी के गेट पर बैठा था, ट्रेन खुलते ही अचानक गिरा, संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हुआ हादसा। मधुबनी में 40 लाख और पिकअप वैन लूटने वाले गिरफ्तार, मालिक और ड्राइवर से 2 मोबाइल, 40,000 नगद समेत लूटा था धान से भरा पिकअप। बिहार में विदेशी महिला कोरोना पॉजिटिव, गया एयरपोर्ट पर जांच के दौरान संक्रमित मिली ताइवानी महिला, 8 लोग संपर्क में थे। चमकी से निपटने के लिए विभाग तैयार, एसकेएमसीएच में 100 बेड के साथ 60 अतिरिक्त बेड, सभी सीएससी में 2-2 बड़े बेड लगाए गए। 1 अप्रैल से शुरू होगा सिंगल विंडो सिस्टम, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन बोले, उद्यमियों को लाइसेंस मिलने से उद्योग जल्द शुरू करने में मिलेगी मदद। मुंगेर में बच्चे करते हैं हाथ में नरमुंड लेकर नृत्य, खंजर लेकर शिव तांडव, स्रोत पर होता है नृत्य, 22 करतब से कई बीमारियों को करते हैं दूर। नवादा में नाबालिग के साथ गैंगरेप, शौच के लिए निकली किशोरी को छाए युवकों ने घेरा, दुष्कर्म का वीडियो बनाकर किया वायरल। बोल रहा था बोल में खेसारी का दिखेगा अल्हड़ अंदाज, उम्र से 10 साल छोटे नजर आएंगे खेसारी, डायरेक्टर पराग पाटिल बोले, अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म होगी। पैसों की बारिश का लालच देकर गैंगरेप, 17 साल की लड़की को फरीदाबाद ले गए, पूजा के बाद प्रसाद खिलाए, बेहोश कर 10 लोगों ने लूटी आबरू। खगड़िया में बड़ा रेल हादसा, टला पटरी पर अलग तरह ड्रम, राजरानी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने लगाई इमरजेंसी ब्रेक, ट्रेन की पाइपलाइन फटी। गया में युवक से कैश लूटे, गोलीबारी भी की, देर रात घर लौट रहा था बाइक सवार, फायरिंग होने पर अनियंत्रित होकर हाईवे पर गिरा, अपराधियों ने लूटे 4,000 रुपए। कांग्रेस की मांग, गुदरा कांड पर भी बने फिल्म, विधायक बोली, कश्मीर की तरह गुदरा की सच्चाई भी सामने आनी चाहिए, बीजेपी ने कहा सच पच नहीं रहा। नवादा में मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़, अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, 13 मैगजीन के साथ 5 निर्मित और 4 अर्ध निर्मित पिस्टल बरामद। शेखपुरा में 2 बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत, दोनों का बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त, 3 घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई में ऑटो और बाइक की जोरदार भिड़ंत, 2 युवक घायल, 1 की हालत गंभीर। बगहा में सुरक्षित प्रसव के लिए जेएनएम ने मांगे 5,000, प्रसव की दर से तड़प रही थी महिला, रुपए देने की बात कराया सुरक्षित प्रसव। मुख्यमंत्री पर हमले की जांच तेज, खुद बख्तियारपुर गए थे होम डिपार्टमेंट के एसीएस और डीजीपी, कई लोगों से की पूछताछ। भोजपुर में रोडरेज विवाद को लेकर युवक की पिटाई, निजी काम से बाइक पर सवार होकर अराजा रहा था, दूसरी बाइक से टर्न होने पर हुआ हाथ विवाद। जल्द होगा नीतीश मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, वीआईपी से बीजेपी में शामिल हुए 3 विधायक ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। बेगूसराय में युवक की संदिग्ध हालत में मिली लाश, 28 मार्च को घर से काम पर निकला था, बगीचे में मिला शव। पघा के गंडक कॉलोनी में अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, अंचल प्रशासन ने जारी किया गया नोटिस, 10 दिनों के अंदर खाली करने का दिया गया निर्देश। पंचायत में पिटाई की शिकार महिला से मिले पप्पू यादव, बोले सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है लेकिन फिर भी ऐसी घटना हो रही है। पश्चिम चंपारण में कलयुग की यशोदा माँ सड़क पर भटकते बच्चे को 14 सालों तक पाला, याददाश्त लौटी तो छोड़कर चला गया। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में सड़क पार करता दिखा विशाल का अजगर। बाइक और चेन के लिए गर्भवती की हत्या, औरंगाबाद में फंदे से लटकी मिली महिला की लाश, पास बैठे रो रही थी 2 साल की बेटी, पति पर आरोप। बेतिया में स्वर्ण व्यवसायी को मिली जान से मारने की धमकी, एसपी से लगाई गुहार, 7 दिन पहले मांगी गई थी 20 लाख की रंगदार। सिवान में करंट लगने से अधेड़ की मौत, घर के बालकनी में टहल रहे थे, बाहर से गुजरते बिजली के तार चपेट में आया। वीकेएसयू में कल से होगा स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा, लंबे समय बाद ऑफलाइन परीक्षा ले रही यूनिवर्सिटी, 36 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए। मोतिहारी में चला बड़ा हादसा, गैस गोदाम के अंदर खड़ी गाड़ी में अचानक लगी आग, सिलेंडर तक पहुंचती आग तो हो सकता था बड़ा विस्फोट। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।